नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर चल रहा विवाद और गहराता जा रहा है। आज पनवेल में सर्वदलीय नेताओं ने बैठक की और एयरपोर्ट को बाला साहब ठाकरे की बजाय लोक नेता दीबा पाटिल का नाम दिए जाने की मांग की। इस अवसर पर बीजेपी नेता रामशेष ठाकुर, कांग्रेस के महेंद्र घरत, प्रकल्पग्रस्त नेता दशरथ पाटिल, विधायक बालाराम पाटिल, एमएलए प्रशांत ठाकुर, महेश बाल्दी और दशरथ भगत समेत तमाम लोग मौजूद थे। सर्वदलीय नेताओं ने एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का नाम दिए जाने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि दीबा पाटिल एक ऐसे लोक नेता है जिनके कार्य ऐतिहासिक रहे हैं। सर्वदलीय नेताओं ने प्रकल्पग्रस्तों की भावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हर हाल में एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का ही नाम दिया जाना चाहिए। दरअसल सिडको ने इसके निर्माण से पहले ही नामकरण की तैयारी कर ली है, जिस पर बवाल मच गया है।